अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे और कामयाबियाँ अता फरमाए। आज हम अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करें। आप लोग इंग्लिश की बुक का हमने आज जो हमारा लेसन रहता था वो पढ़ना है। लेसन नंबर है 9 और पेज नंबर है 76। बुक ओपन कर लीजिए इंग्लिश की, यूनिट नंबर 9, पेज नंबर है 76। हाँ जी, द नॉटी मंकी। नॉटी का मतलब आपको पता है ना क्या है? हाँ जी, शरारती। शरारती मंकी यानी कि शरारती बंदर, द नॉटी मंकी। नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं इसकी। वन डे टू मैन वर वर्किंग इन द फॉरेस्ट, दे वर कटिंग अ ह्यूज लॉक, दे वर यूजिंग अ लॉन्ग सा, स्विश 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 स्विश, दे पुल्ड एंड दे पुश्ड एंड दे पुल्ड, दे मेड अ डीप कट इन द वुड, इट वॉज हार्ड, द मैन वर टायर्ड, दे स्टॉप टू रेस्ट, दे पुट डाउन देयर सा, इन द कट दे पुट अ वेज, द टू मैन सेट डाउन टू ईट, अ लिटल लेटर दे वेंट टू स्लीप, सून सम मंकीज केम देयर। नेक्स्ट हमारा पेज, अगला पेज देखें 77। दे लुक्ड एट द मैन, वन बेबी मंकी वॉज वेरी नॉटी, ही रैन टू द लॉग, ही जम्प्ड एंड डांस्ड ऑन टॉप ऑफ इट, हिज मदर शाउटेड गेट डाउन नाउ इट्स डेंजरस, द नॉटी मंकी डिड नॉट लिसन, ही डांस्ड एंड ही सेंग, ही सेंग एंड ही डांस्ड, ची ची वी जस्ट लुक एट मी, आई एम अ क्लेवर मंकी, द नॉटी मंकी सा द विच, ही पुल्ड इट द विच सेम आउट सॉरी केम आउट, देयर वॉज अ लाउट, द मंकीज टेल वॉज कॉट, ऊ श्रिक द लिटल मंकी, द मैन वोक अप। यहाँ पे हमारी रीडिंग ख़त्म हो गई है। ये एक कहानी है जो एक कहानी की सूरत में यानी कि मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक दिन दो आदमी जो थे वो जंगल में काम कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे? लकड़ियाँ काट रहे थे, दरख्तों को काट कर उनको यानी कि छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर रहे थे। एक बड़ी सारी लकड़ी को काट रहे थे, एक बड़ा सहारा लेकर दो आदमी एक एक साइड पर। आपने अपनी बुक में देखा कि एक एक साइड पर बैठा है या खड़ा है और एक एक साइड पर है, तो वो उसको आरे के साथ आरे की मदद से उसे काट रहे हैं, पीसेस में पीसेस बना रहे हैं उसके। तो आरा जब चलाते हैं तो उसकी आवाज़ आ रही थी स्विश स्विश, यानी कि जब एक आदमी एक तरफ को खींचता स्विश की आवाज़ आती, दूसरा दूसरी तरफ खींचता तो स्विश की आवाज़ आती। इतने में वो दोनों यानी कि काम करते हुए थक गए, तो उन्होंने वो काम यानी कि दरमियान में छोड़कर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे और खाना खाने लगे। इतने में कुछ बंदर जो थे वो उधर उछलते कूदते, बंदरों का काम होता है ना दरख्तों पर इधर उधर उछलना कूदना, तो उछलते कूदते कुछ बंदर जो हैं वो साइड पर आ गए। उन्होंने जब एक बड़ी सारी लकड़ी को देखा तो वो एक जो था उनमें उनका बेबी था मंकी का, वो बहुत खुश हुआ कि मुझे खेलने के लिए जगह मिल गई है। वो शरारती बहुत ज़्यादा था, वो उस लकड़ी के ऊपर खेलने लगा, उछलने कूदने लगा और गाने गाने शुरू कर दिए उसने। इतने में वो जो लकड़ी के दरमियान में जहाँ वो कट लगा रहे थे तो वहाँ पर यानी कि रास्ता या जगह बन गई थी थोड़ी सी, उसमें उसकी ना दुम जो थी वो उस लकड़ी में फंस गई। जैसे पहले उसकी मम्मा उसे मना कर रही थी कि बेटे आप ऐसी हरकतें नहीं करो, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। और जब उसकी दुम फंसी तो फिर वो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं तो फंस गया हूँ। या फिर उसकी मम्मा ने कहा कि देखा ये शरारत करने का अंजाम है।
ये हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वर द मैन डूइंग इन द फॉरेस्ट। आदमी जो हैं वो जंगल में क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे जंगल में? हाँ जी, वर्किंग, यानी कि काम कर रहे थे, लकड़ियों को काट रहे थे। तो अब हमने राइट करना है, राइट करें आप लोग, द मैन वर वर्किंग, वर वर्किंग यानी कि काम कर रहे थे। आंसर के आगे हमेशा फुल स्टॉप लगाने हैं। क्वेश्चन जब राइट करते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब आंसर राइट करते हैं तो उसके जब आंसर खत्म होता है तो आगे क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। क्या है इसका आंसर? द मैन वर वर्किंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द मैन स्टॉप वर्किंग। आदमियों ने अपना काम जो था वो क्यों रोक दिया था, क्यों रोका था उन्होंने काम? हाँ जी, वो थक गए थे तो उन्होंने आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए अपना काम जो था वो रोक दिया था। टू रेस्ट, आराम करने के लिए, एंड ईट, ईट और खाना खाने के लिए। समझ आ गई है ना? उन्होंने अपना काम, व्हाई डिड द मैन स्टॉप वर्किंग, उन्होंने अपना काम क्यों रोक दिया था? टू रेस्ट एंड ईट, यानी कि आराम करने के लिए और खाना खाने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द मैन डू व्हेन दे स्टॉप। व्हाट डिड द मैन डू व्हेन दे स्टॉप। द मैन The men put away which in the log. हाँ जी, व्हाट डिड द मैन डू व्हेन दे स्टॉप। द मैन पुट अ विच इन द लॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द लिटिल मंकी डू। छोटा बंदर जो था वो क्या कर रहा था, क्या कर रहा था छोटा बंदर? हाँ जी, शरारतें कर रहा था। The little monkey ran towards द लॉग। हाँ जी, लकड़ी के ऊपर जो था वो इधर उधर उछल रहा था। हाँ जी, द लिटल मंकी रैन टुवर्ड्स द लॉग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज वेरी नॉटी। शरारती कौन सा बंदर था? हाँ जी, बेबी मंकी, द
baby monkey. The baby monkey. ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. अब आप अपनी बुक ओपन करें. हाँ जी, पेज नंबर 78 ओपन कीजिए. इसमें क्वेश्चन नंबर जो वन था, पेज नंबर 78 पर देखें, जो क्वेश्चन नंबर वन था उसमें क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू. देखें, मार्क द सेंटेंस ट्रू एंड फॉल्स. जो ठीक है उसके आगे ट्रू के लिए टी राइट करना है, और जो रॉन्ग है उसके आगे आपने फॉल्स के लिए एफ राइट करना है. नंबर वन देखें, द ओल्ड मंकी वाज नॉटी. बूढ़ा बंदर शरारती था. क्या बूढ़ा बंदर शरारती था? नो. जी हाँ, बेबी मंकी शरारती था. तो क्या आना है? एफ राइट करना है. आपने आगे बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर एफ राइट करें. नंबर टू है, थ्री मैन वर कटिंग द वुड. तीन आदमी जो थे वो लकड़ियाँ काट रहे थे. हाँ जी, तीन नहीं थे, टू मैन थे. तो इसके आगे भी आपने एफ राइट करना है. नेक्स्ट है नंबर थ्री, द लॉग वाज क्वाइट स्मॉल. लकड़ी जो थी वो बहुत छोटी सी थी. छोटी सी थी? जी हाँ, बड़ी सारी लकड़ी थी, इसलिए इसके आगे भी ये भी फॉल्स है. तो इसके आगे एफ राइट करें. नंबर फोर है, द मंकी डिड नॉट लिसन टू हिज मदर. बंदर जो था वो अपनी मम्मा की बात नहीं सुन रहा था. हाँ जी ठीक है. ट्रू के लिए टी राइट करें. नंबर फाइव है, द मंकी जंप्ड अप ऑन टू द लॉक. बंदर जो था वो लकड़ी के ऊपर जंप लगा रहा था. हाँ जी ये भी ठीक है. ट्रू के लिए टी राइट करें. नीचे देखें, इसके लिए बी पैराग्राफ वर्किंग विद वर्ड्स. वर्ड बनाने हैं. यह आपने पीछे स्टोरी पढ़ी है, इसी में से वर्ड ढूंढ के आपने राइट करने हैं. हाँ जी, ये एम के नीचे जैसे ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, डब्ल्यू के नीचे लाइनें लगी हैं, एस राइट किया हुआ इसकी लाइन नीचे लाइनें हैं. इसी तरह इन्हीं वर्ड से आपने, इन्हीं लेटर से वर्ड बनाने हैं जो इन लेटर से शुरू होंगे. जैसे एम है, एम से जो वर्ड शुरू होगा वो ही राइट करना है. फर्स्ट वर्ड देखें, राइट करें एम ई एन मैन. एम ओ एन के ई वाई मॉन्की. एम ए डी ई मेट. एम ओ टी एच ई आर मदर. W से राइट करें, W E R ईवर. W डबल O D वुड. W E D G E विच. W E N T वेंट. हाँ जी, ये आपके स्टोरी में है ना वर्ड, ये सारे इसी तरह आपने सारे राइट करने हैं. नेक्स्ट S से शुरू करें, S T O डबल P E D स्टॉप्ड. S A W सा. S O M E सम. S H O U T E D शाउटेड. नेक्स्ट पी से, हाँ जी पी यू डबल एल ई डी पुल्ड. पी यू एस एच ई डी पुश्ड. पी यू टी पुट. पी आई ई सी ई पीस. नेक्स्ट है डी से, डी डबल ई पी डीप. डी ओ डब्ल्यू एन डाउन. डी ए एन सी ई डी डांस्ड. डी आई डी डिड. नेक्स्ट देखें पेज नंबर 79. इसमें आपने देखना है नंबर वन जो है, इसमें है विच डूइंग वर्ड्स टेल अस अबाउट द पास्ट. यानी कि आपने पास्ट यानी कि जो कल, ऐसे वर्ड हैं जो आज हमने काम किया है और उसका आपने यानी कि कल जो करना है किया था उसके बारे में बात बताना है. जैसे लुक है, देखा. आज यानी कि आप देख रहे हैं, लुक्ड कल देखा था. नेक्स्ट इसी तरह आपने आगे इनके राइट करने करते जाएं. पहला है वाक, W A L K वाक लिखा हुआ है, आपने इसके आगे राइट करना है W A L
K-E-D, walked. Next है play, P-L-A-Y-E-D, played. फिर है find, F-I-N-D, find. Write किया हुआ है, आप आगे write करें. Found, F-O-U-N-D, found. Drink है, इसका write करें, D-R-A-N-K, drank. Next है laugh, laughed, L-A-U-G-H-E-D, laughed. Next है shout, shouted, S-H-O-U-T-E-D, shouted. Eat, A-T-E, ate. Next है run, R-A-N, ran. हो गया, हाँ जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया है, पेज नंबर 79. अब आपने ये देखें कितनी मज़े की स्टोरी थी, समझ आ गई है ना, तो इसको अच्छे से आपने याद करना है. नेक्स्ट देखें, अपनी उर्दू की बुक ओपन करें. हाँ जी, उर्दू की बुक ओपन करें, इसमें देखें पेज नंबर 39 है. आज हमने जो लेसन पढ़ना है वो है मुन्ने की कहानी. ठीक है, मुन्ने की कहानी. हाँ जी, वो आपने पीछे पढ़ा था ना कि कहानियाँ नानी अम्मा ने कहा था कहानियाँ बनाएं, तो मुन्ने ने कहानी जो बनाई थी वो आप आज अब पढ़ेंगे. हाँ जी, रीडिंग करें. हर वर्ड पर आपने फिंगर रखनी है और एक एक वर्ड को गौर से देख के पढ़ना है. सबसे पहले मुन्ने ने अपनी कहानी सुनाई. एक थी बिल्ली, उसको बहुत सारी कहानियाँ आती थीं. बिल्ली ने तोते से कहा, म्याऊं म्याऊं, तुम नीचे आओ तो मैं तुमको कहानी सुनाऊं. तोता दरख्त की डाली पर बैठा था, बोला, टैं टैं, तुम ऊपर आओ तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं. नेक्स्ट पेज देखें. बिल्ली ने जवाब दिया, म्याऊं म्याऊं, मगर मुझे तो तुम्हारी टैं टैं बुरी लगती है. तोता बोला, टैं टैं, मुझे तुम्हारी म्याऊं म्याऊं और भी ज़्यादा बुरी लगती है. फिर तोते ने बिल्ली को ज़ुबान दिखाई और फुर से उड़ गया. कहानी ख़त्म. कहानी सुनाकर मुन्ना नानी अम्मा की गोद में चढ़कर बैठ गया. मगर तोता कैसे ज़ुबान दिखा सकता है, नादरा ने पूछा. अच्छा, अब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, मुझे सोचने दो. हाँ जी, ये इसकी रीडिंग हो गई. अब हम इसमें से जो मुश्किल वर्ड हैं जो हमने पहले नहीं पढ़े वो राइट करेंगे और उन्हें पढ़ेंगे. हाँ जी, फर्स्ट वर्ड है सुनाई. सीन, नून अलिफ ना, हमजा छोटी है ई. सुनाई, क्या वर्ड है? सुनाई. नेक्स्ट है थी, थे, ये और ये नून गुन्ना. थी, क्या वर्ड है? थी. नेक्स्ट है म्याऊं, मीम, ये अलिफ या, हमजा वाओ और नून गुन्ना, क्या बन गया? म्याऊं. क्या वर्ड है ये? म्याऊं. नीचे, नून, ये और ये चे बढ़िए, नीचे, क्या बन गया? नीचे. नेक्स्ट है डाली, डाल अलिफ डा, लाम छुटियली, डाली. नेक्स्ट है टें टें, टे ये नून गुन्ना, टें. ठीक है, क्या वर्ड है ये? टें.
नेक्स्ट है ऊपर अल्पेश्वाहु पेरे पर ऊपर, क्या वर्ड बन गया ऊपर। नेक्स्ट है तुम्हारी ते मीम तुम हे अलिफा रे छुटियरी तुम्हारी, क्या वर्ड है तुम्हारी। लगती लाम गाफ और ये ते छुटियती लगती, क्या वर्ड है लगती। जुबान जे बेअली बा नून जुबान। फिर है बुरी बे बेपेश बूर ए छुटियरी बुरी, क्या बन गया बुरी। दिखाई दाल खेलिफ खा हमजा छुटिये ई दिखाई, क्या वर्ड है दिखाई। फुर थे पेश रे फुर, क्या बन गया फुर। गावा गो दाल, हाँ जी गोद, क्या बन गया गोद। नेक्स्ट है पूछा पेवा पू छे अलिफ छा पूछा। नेक्स्ट है अच्छा अलिफ छे अलिफ छा अच्छा। सुनाऊं सीन नून अलिफ ना हमजा वावो नून गुन्ना। सुनाऊं बैठ बे ये और ये ठे बैठ, क्या वर्ड बन गया बैठ। मुझे मीम जीम हे बढ़िए मुझे। नेक्स्ट है सोचने सीन वासो चे नून बढ़िए सोचने, हाँ जी। दोबारा इसे एक दफ़ा रिपीट कर लें। सुनाई थी म्याऊं नीचे डाली टें टें ऊपर तुम्हारी लगती जुबान बुरी दिखाई फुर गोद पूछा अच्छा सुनाऊं बैठ मुझे सोचने। आज हमने पढ़ना है इंग्लिश का, इंग्लिश की बुक ओपन करें लेसन देखें। आज हमने लेसन नहीं पढ़ना, लेसन से रिलेटेड जो है पोएम वो पढ़नी है। हाँ जी पेज नंबर 80 पर है पोएम है टू बेड। हाँ जी पेज नंबर 80 पोएम का नाम है टू बेड। हाँ जी देखें आप इसकी रीडिंग रिवाइज करें मेरे साथ साथ। द लीव्स एंड द ग्रास आर ग्रीन एज कैन बी व्हेन द सनलाइट शाइंस मैग्निफिसेंटली द सन इज लाइक गोल्ड एट द क्लोज ऑफ डे एंड द नाइट सो ब्लैक आई कैन नॉट सी माई वे द अर्थ इज डार्क ब्राउन बट ऑन इट आई ट्रेड इन सिल्वर स्टार लाइट ऑन माई वे टू बेड। हाँ जी ये आपने इंग्लिश में पोइम याद करनी है। नेक्स्ट देखें इसका पेज नंबर 81 है। हाँ जी इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 2 है इनके, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पैराग्राफ है। वो कहते हैं कि वर्किंग विद वर्ड्स वर्ड पढ़े अपने एंड मैच द वर्ड्स इन ए विद द नेमिंग वर्ड्स इन बी। वो कहते हैं ए और बी में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपस में आपने मिलाना है। हाँ
हाँ जी, स्केल के साथ मिलाना है, स्केल के बगैर आपने नहीं मिलाना। जब आप अपने टेस्ट में या पेपर में स्केल के बगैर बनाएंगे, मिलाएंगे आपस में, आपकी लाइन टेढ़ी होगी तो उसमें आपके नंबर कट जाते हैं, इसलिए आपने स्केल का इस्तेमाल लाजमी करना है। ए जो है, ए पैराग्राफ है, इसमें है वर्ड, देखें कौन कौन से हैं, ग्रीन है, पिंक है, ब्लू है, सिल्वर है, और बी वाले में कॉइन, ग्रास, लिप्स और स्काई। ए वाला कॉलम देखें, ग्रीन, ग्रीन क्या चीज ग्रीन होती है, कॉइन्स सिक्के ग्रीन होते हैं, ग्रास घास ग्रीन होता है, लिप्स होंठ ग्रीन होते हैं, या स्काई आसमान ग्रीन होता है। हाँ जी, ग्रास। तो इस तरह आपने अपना स्केल रखना है और स्केल के साथ ही आपने अपनी लाइन सीधी रखनी है। अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं होगी आपके नंबर कट जाने हैं। नेक्स्ट देखें, पिंक, पिंक क्या होता है, कॉइन होते हैं, लिप्स होते हैं या स्काई होते हैं। हाँ जी, पिंक लिप्स होते हैं। इसी तरह आपने स्केल रख के इसको इसके साथ मैच कर देना है। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू क्या चीज होती है, कॉइन ब्लैक ब्लू होते हैं या स्काई, हाँ जी आसमान जो है वो ब्लू होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा वर्ड बच गया है सिल्वर, सिल्वर कॉइन। इसी तरह आपने स्केल रख के इसको इससे मैच कर देना है। समझ आ गई है, ये हमारी कॉइन थी, इसको आपने कॉइन की रीडिंग अच्छे से याद करनी है और इसमें ये कॉलम जो है वो अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट देखिए, अपनी उर्दू की बुक ओपन करें, पेज नंबर 61, इसमें है, इसमें भी हमारी पोइम ही है प्यारा पाकिस्तान, वो हमने इंग्लिश में पोइम पढ़ी थी, अब हमने उर्दू में पोइम पढ़नी है। हाँ जी, रीडिंग देखें इसकी, प्यारा पाकिस्तान, हाँ जी, वतन हमारा पाकिस्तान, सबका प्यारा पाकिस्तान, सब्ज है झंडा पाकिस्तानी, चांद सितारा जिसका निशान, इसकी सारी चीजें प्यारी, जंगल दरिया रेगिस्तान, खैबर और पंजाब यहाँ है, सिंध भी और बलोचिस्तान, हम सब बच्चे पाकिस्तानी, अपना मुल्क अपनी पहचान। समझ आ गई है, ये रीडिंग आपने अच्छे से याद करनी है। अब हम इसमें से वर्ड, मुश्किल वर्ड जो है वो राइट करेंगे और उन्हें फिर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जैसे है वतन, वाओ, तोए और ये नून, क्या बन गया वतन, क्या बन गया वतन, हमारा हे, मीमन फमा, रे और ये अलिफ, हमारा क्या बन गया हमारा। नेक्स्ट है प्यारा, पे, ये अलिफ या रे अलिफरा, प्यारा क्या है प्यारा। नेक्स्ट है, हाँ ये अब आप बताएंगे ये क्या वर्ड मैंने राइट किया है, आप लोगों ने ये पहले पढ़ा है, ये क्या वर्ड है, सीन बे जे सबज, वेरी गुड, क्या है ये सबज। फिर है झंडा, झेम, नून और ये डाल अलिफ, झंडा क्या बन गया झंडा। नेक्स्ट है पाकिस्तानी, आप सब पाकिस्तानी है ना, पा सीन ते अलिफ्ता नून छोटी नी, हाँ जी पाकिस्तानी, क्या वर्ड है ये पाकिस्तानी। नेक्स्ट है सितारा, सीन ते अलिफ्ता रे हेरा, सितारा क्या वर्ड है सितारा। नेक्स्ट है निशान, नून शीन अलिफ शा नून, क्या बन गया निशान, क्या बन गया निशान।
नेक्स्ट है चीजें, ये जे, ये और ये जे, ये और ये नून गुना, क्या बन गया चीजें, क्या वर्ड है चीजें। हाँ जी, ये क्या वर्ड मैंने राइट किया है, जीम नून गा, ये आपने हम फर्स्ट वाली पोएम में पढ़ा था, जीम नून गा नाम जंगल, वेरी गुड, क्या है ये जंगल, जंगल। नेक्स्ट वर्ड है रेगिस्तान, रे ये गा सीन ते अलिफ्ता नून, क्या बन गया रेगिस्तान, क्या है रेगिस्तान। नेक्स्ट है खे ये और ये बेरे, क्या बन गया खैबर, क्या है खैबर। नेक्स्ट वर्ड है पंजाब, पंजाब पे नून पन जी मलिक जा बे पंजाब, आपको पता है आप पंजाब में रहते हैं, हाँ जी ये हमारे मुल्क का सूबा है पंजाब, जिसमें हम रहते हैं पंजाब। नेक्स्ट है सिंध, सिंध क्या है सिंध, बलोचिस्तान बे लावालो चे सीन और तेलता नून, बलोचिस्तान क्या है बलोचिस्तान, पे है चेलिफ चा नून पहचान, क्या वर्ड है पहचान। एक दफा से दोबारा रिपीट कर लेते हैं, वाओ तोय नून वतन, क्या वर्ड है वतन, हे मीमलिमा रेलिफ्रा हमारा, पे ये लिव्या रेलिफ्रा प्यारा, सीन बे जे सबज, छेम नून डालिफ्रा झंडा, पेरी पा काफ सीन तेलिफ्ता नून छुटियनी पाकिस्तानी, क्या वर्ड है पाकिस्तानी, सीन तेलिफ्ता रेहरा सितारा नून शिनर नक्शरा नून निशान, ये चीज जे ये नून गुना चीजें, जीम नून गाफ लाम जंगल, रे ये रे गाफ सीन तेलिफ्ता नून रेगिस्तान, खे ये बे रे खैबर, पे नून जी मलिक जा बे पंजाब, सीन नून दाल हे सिंध, बे लामलो जे सीन तेलिफ्ता नून बलोचिस्तान, पे हे पे चेलिफ्ता नून पहचान। अब आपने अच्छे से इसकी रीडिंग याद करनी है। अल्लाह हाफिज।